मूवी के स्टार्टिंग में हम तीन चोरों को देखते हैं जो कि छोटी मोटी चोरियां करते हैं। उन तीनों चोरों का नाम है मनी, रॉकी एंड एलेक्स। वो लोग वही चोरियां करते हैं जिन घरों को एलेक्स के डैड की कंपनी द्वारा सिक्योर किया हो, क्योंकि एलेक्स को उन घरों की सारी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पता रहता था। रॉकी जो कि एक लड़की है लेकिन वो फिर भी चोरी करती है क्योंकि उसकी माँ एक नशेड़ी औरत थी और उसके माँ का बॉयफ्रेंड भी नशेड़ी था। रॉकी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम डीडी था। रॉकी अपनी बहन के साथ लॉस एंजलिस में रहना चाहती थी। फिर हम मनी को देखते हैं जो कि अपना चोरी किया हुआ सामान बेचता है और उसे उसके बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन उसे वहां एक बहुत अच्छी खबर भी मिलती है। मनी ये बात अपने दोनों पार्टनर को बताता है। वो कहता है कि इस शहर में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रहता है जिसके घर में $300,000 है, वो भी बिल्कुल कैश। पहले तो इस चोरी में एलेक्स साथ देने को मना कर देता है लेकिन फिर मान जाता है। मनी ये भी बताता है कि ये पैसे उसे जब मिले थे जब किसी सिंडी रॉबर्ट्स नाम की औरत की कार से गलती से टक्कर होकर उसकी बेटी मर गई थी। शायद सिंडी रॉबर्ट्स ने ये पैसे उसे उसकी बेटी के एक्सीडेंट को छुपाने के लिए दिए हों। फिर ये तीनों चोर छुपकर उसके घर की जासूसी करते हैं। इन्हें तब पता चलता है कि ये ओल्ड मैन अंधा है। किसी लड़ाई में एक बड़े ब्लास्ट की वजह से इस ओल्ड मैन की आंखों की रोशनी चली गई। फिर चोरी के रात को ये लोग पहले उस ओल्ड मैन के सबसे खतरनाक कुत्ते को कुछ नशीली चीज खिला देते हैं और फिर घर में घुसकर इस घर के सारे सिक्योरिटी अलार्म्स को बंद कर देते हैं। फिर मनी उस ओल्ड मैन के रूम में जाकर एक गैस छोड़ देता है जिससे वो ओल्ड मैन काफी देर तक सोता रहेगा। ये लोग फिर पूरे घर में पैसा ढूंढना शुरू कर देते हैं। इनका मानना था कि वो पैसे एक लॉक डोर के पीछे हैं, तो मनी इसलिए एक बंद दरवाजे को गन से शूट करके खोलता है, लेकिन गन की आवाज से वो ओल्ड मैन उठ जाता है और काफी दर्दनाक तरीके से मनी की तरफ बढ़ता है। उसको इस तरीके से बेसहारा देखकर उस बूढ़े आदमी पर काफी दया आती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एकदम से मनी के काफी करीब पहुंचकर मनी पर गन शूट कर देता है और मनी वहीं पर मर जाता है। ये सब कुछ रॉकी बिल्कुल शांत होकर देख रही थी। फिर रॉकी डर कर एक क्लोजेट में छुप जाती है और वो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी एक लॉकर को खोलकर अपने पैसे को चेक कर रहा होता है। अपने पैसे को सही जगह पाकर वो वापस चला जाता है। फिर एलेक्स और रॉकी लॉकर को खोलकर सारे पैसे रख लेते हैं और उस लॉकर में तकरीबन $1 million थे। फिर रॉकी और एलेक्स वहां से भागने की करते हैं, लेकिन शायद ओल्ड मैन को शंका हो गई थी कि मनी के अलावा भी कोई और घर में घुसा है। ओल्ड मैन वापस अपना लॉकर चेक करता है लेकिन उसे उसमें पैसे नहीं मिलते। फिर रॉकी और एलेक्स बेसमेंट से भागते हैं, लेकिन वो लोग बेसमेंट में एक जानवर की तरह बंधी हुई औरत को देखते हैं जो कि काफी दर्द में थी। फिर वो औरत रॉकी को कटा हुआ न्यूज़पेपर देती है जिसको देखकर पता चलता है कि ये वही सिंडी रॉबर्ट्स है जिसके कार से इस ओल्ड मैन के बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और वो मर गई थी। सिंडी रॉबर्ट्स के एक बेल बंधी हुई थी जिसकी आवाज वो ओल्ड मैन सुन लेता है। फिर वो लोग सिंडी रॉबर्ट्स को खोल देते हैं, लेकिन ये जैसे ही बेसमेंट से बाहर निकलने की करते हैं वैसे ही वो ओल्ड मैन आकर गन शूट कर देता है और वो गोली सीधा सिंडी रॉबर्ट को लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। जब ओल्ड मैन को लगता है कि उसने सिंडी पर गोली चला दी है तो सिंडी की बॉडी को लेकर मेरा बच्चा करके काफी रोता है। तब तक एलेक्स और रॉकी बचकर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ये ओल्ड मैन घर की लाइट का मेन स्विच ऑफ कर देता है। एलेक्स और रॉकी अंधेरे में एक दूसरे के साथ भाग रहे थे उस ओल्ड मैन से बचकर, लेकिन अब घर में वो खतरनाक कुत्ता आ जाता है। एलेक्स और रॉकी कुत्ते से बचकर एक रूम में छुपते हैं, लेकिन तभी एलेक्स रूम के विंडो से नीचे कूद जाता है और वो वापस ओल्ड मैन से मिलता है। फिर उन दोनों की हाथापाई में हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन ने एलेक्स को मार डाला है। फिर ओल्ड मैन रॉकी को पकड़ लेता है और उसे भी सिंडी की तरह बांध देता है। फिर वो रॉकी को बताता है कि उसने सिंडी को इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि उसने उसकी बेटी का एक्सीडेंट करके उसको मार डाला था, इसलिए मैंने उसे पकड़ रखा है। उसमें अपना सीमन इंजेक्ट किया था ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए और अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन तुम लोगों की वजह से वो मर गई और अब मैं तुम्हारे
अंदर अपना सीमन इंजेक्ट करूंगा। अब ओल्ड मैन अपना सीमन रोगी में इंजेक्ट करने ही वाला होता है, लेकिन तब तक वहाँ एलेक्स आ जाता है और वो ओल्ड मैन को मार कर बांध देता है। एलेक्स अभी जिंदा था। एलेक्स और रॉकी अब भागने वाले होते हैं, लेकिन तब तक ओल्ड मैन किसी तरह से उन तक पहुंच जाता है और एलेक्स को शूट कर देता है, जिससे एलेक्स वहीं मर जाता है। फिर रॉकी किसी तरह से बचकर बाहर भागती है, लेकिन अब उसके पीछे ओल्ड मैन का वही कुत्ता पड़ जाता है। रॉकी उससे बचकर उस कुत्ते को कार में लॉक कर देती है, लेकिन तब तक वहां वो ओल्ड मैन पहुंच जाता है और वो वापस रॉकी को पकड़कर घर में ले आता है। लेकिन रॉकी घर के सारे सिक्योरिटी अलार्म्स को स्टार्ट कर देती है, जिससे उसकी कोई भी मूवमेंट को ओल्ड मैन ना सुन सके। फिर रॉकी ओल्ड मैन पर हमला करके उसे बेसमेंट में गिरा देती है और पूरे $1 मिलियन लेकर भाग जाती है। फिर हम रॉकी और उसकी बहन को देखते हैं, जो कि अब लॉस एंजलिस जा रहे थे। वहीं पास में चल रहे टीवी पर हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि ये बोल रहा था कि उसके घर में दो ही लोग चोरी करने आए थे, वो भी मनी और एलेक्स, जिन्हें उस ओल्ड मैन ने अपने बचाव में मार डाला। ओल्ड मैन का ये तक कहना था कि उसके घर में कोई चोरी हुई नहीं है। और यहीं पर इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है। गाइज, इस मूवी की एंडिंग इसी डाउट के साथ हो जाती है कि क्यों उस ओल्ड मैन ने ऐसा किया, क्यों आखिर उस ओल्ड मैन ने रॉकी को बचा लिया और अपने $1 मिलियन लेकर जाने दिया। तो गाइज, ये थी हमारी आज की मूवी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।